सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है इंडिया में पीसी मार्केट की क्या हालत चल रही है। यहाँ पे आपको जो कि ये कहीं पर भी ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिल रही है। ग्राफिक कार्ड की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे शॉर्टेज देखने को मिल रही है गाइस। अगर आपको जो कि ग्राफिक कार्ड मिलते हैं भी है तो यार बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस पे देखने को मिलते हैं। और गाइस, इस सिचुएशन में अगर आप एक जो कि पीसी प्ले कर रहते हैं तो यार इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। आज की वीडियो में जो कि है बेस्ट एपीयू सजेस्ट करूंगा गाइस, जिसपे आप जो कि पीसी प्ले कर सकते हैं। अगर आप इन फ्यूचर जो कि इन पे ग्राफिक कार्ड भी पेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कि कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी खासी यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई भी बॉटल नेक का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो यार वीडियो के देखते रहिए, चैनल पे चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो मत जाना। सो इस वीडियो में आपको जो कि टॉप 5 बेस्ट एपीयू सजेस्ट करूंगा अंडर बजट ऑफ 20,000 रुपीज। सो हे गाइस, दिस इज ग्लेन, यू आर वॉचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से बहुत सारे लोग जो कि मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हैं, बट यार यहाँ पे 96% जितने लोगों ने जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार वो लोग भी जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, अगर आपने यहाँ पे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे भी मैं जो कि बढ़िया कॉन्टेंट पोस्ट करता हूँ। सो गाइस, एपीयू के बारे में बात करते हैं तो गाइस, लिस्ट में 5th नंबर पर हमारे पास एपीयू आता है, वो आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल कोर i3-10100। नाउ इसमें जो कि 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। 3.60 GHz यहाँ पे जो कि ब्रेस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.30 GHz यहाँ पे जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 6 MB की कैच मेमोरी देखने को मिलती है। 2666 MHz की यहाँ पे जो कि रैम सपोर्ट देखने को मिलता है। 65W की आपको जो कि TDP देखने को मिलती है। और गाइस, इंटीग्रेटेड ग्राफिक के बारे में बात करूंगा, इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि इंटेल की UHD 630 जो कि है ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स हैं। मॉडर्न AAA टाइटल वाले गेम्स को आप जो कि है आराम से इस वाले जो कि ग्राफिक के साथ खेल सकते हैं। और गाइस, ग्राफिक के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँगा गाइस, 350 MHz की यहाँ पे जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इस ग्राफिक्स की। और गाइस, यहाँ पे जो कि है 1.10 GHz की यहाँ पे जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइस, इस वाले प्रोसेसर पर अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड को भी पेयर करते हैं तो यहाँ पे जो कोई भी बॉटल नेक का इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप जो कि इस वाले प्रोसेसर पे 1650 सुपर RX 520 कोई भी आप जो कि ग्राफिक कार्ड को इस वाले जो कि प्रोसेसर पे पेयर कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आप जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और गाइस, उल्टा आपको यहाँ पे जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। प्राइस की बारे में बात करूँ तो गाइस, 13,500 रुपीज़ में आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। अमेजोन या AMD कंप्यूटर्स पे आपको जो कि आराम से अवेलेबल देखने को मिलेगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस लिस्ट में 4th नंबर पर बस एपीयू आता है, वो आता है AMD की तरफ से, AMD राइजन 3 प्रो 4350G। नाउ गाइस, इसमें आपको जो कि 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। 3.80 GHz की यहाँ पे जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4 GHz की यहाँ पे जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 6 MB की यहाँ पे जो कि कैच मेमोरी देखने को मिलती है। DDR4 3200 MHz की यहाँ पे आपको जो कि रैम सपोर्ट देखने को मिलती है। 65W की यहाँ पे जो कि TDP देखने को मिलती है। और गाइस, ग्राफिक के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको जो कि है Radeon Vega 6 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यार बढ़िया ग्राफिक्स हैं। ये जो कि है पुराने वाले से इम्प्रूव वर्जन यहाँ पे आपको जो कि देखने को मिलते हैं। और गाइस, ये वाले ग्राफिक्स जो कि 1700 MHz की क्लॉक स्पीड के साथ वर्क करते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स हैं गाइस। इस पे भी आप जो कि मॉडर्न AAA टाइटल वाले गेम्स को आराम से प्ले कर सकते हैं। और गाइस, आप जो कि वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 500 सीरीज के मदरबोर्ड को ये वाला जो कि ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और गाइस, AM4 सॉकेट पे ये बेस रहे, यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको जो कि APU देखने को मिलता है। अगर आप इन फ्यूचर जो कि 1660 सुपर, 1650 सुपर, RX 570, RX 580 कोई भी अगर आप जो कि प्रोसेसर को कोई भी अगर आप जो कि ग्राफिक कार्ड को प्लेयर करते हैं तो यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस वाले APU के साथ भी। प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस, 13,000 रुपीज़ में आपको जो कि वाला APU देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप परचेस करना चाहते हैं जाके परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में 3rd नंबर पर हमारे पास प्रोसेसर आता है, वो आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल कोर i5-10400। नाउ इसमें मुझे कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। 2.90 GHz की यहाँ पे मुझे कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.30 GHz की यहाँ पे मुझे कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 6 MB की इंटेल स्मार्ट कैच मेमोरी यहाँ पे मुझे कि देखने को मिलती है। और गाइस, ये वाला प्रोसेसर जो कि है DDR4 2666 MHz की रैम को सपोर्ट करता है। 65W की यहाँ पे मुझे कि TDP देखने को मिलती है। और गाइस, ग्राफिक्स के बारे में बात करूंगा, इसमें भी आपको जो कि इंटेल की UHD 630 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, बट यार इसमें आपको जो कि 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जो कि यार मल्टीटास्किंग में आपको बढ़िया एक्सपीरियंस करवा देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस, इस पे भी आप जो कि इन फ्यूचर ग्राफिक कार्ड वगैरह पेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कोई भी दिक्कत वाली बात
बात नहीं होगी। प्राइस के बारे में बात करूं तो गाइस 16,000 रुपीस में आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अमेजोन या एमडी कंप्यूटर से आप जो कि इस वाले प्रोसेसर को भी परचेस कर सकते हैं, लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हैं। नाउ गाइस लिस्ट में सेकंड नंबर पर हमारे पास एपीयू आता है, वो आता है एएमडी की तरह से राइजन 5 प्रो 4650G। नाउ इसमें मुझे के 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं गाइस। और गाइस इसमें मुझे के 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, 4.20 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे मुझे बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, 11 एमबी की कैश मेमोरी देखने को मिलती है, DDR4 वाली 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को ये वाला जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और गाइस 65 वाट की यहाँ पे मुझे TDP देखने को मिलती है। और गाइस इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि AMD के वेगा 7 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि 1.9 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पे वर्क करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस ये वाला भी, बट यार ये जो कि OEM जो कि प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो गाइस ये आपको जो कि Amazon पे जो कि अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। आप जो कि AMD कंप्यूटर से प्राइम ARGB जो कि वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको जो कि वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 18,700 रुपीस में आपको जो कि वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है गाइस, देख के परचेस कर लेना। और गाइस इस पे भी आप जो कि अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक कार्ड पेयर करते हैं तो यार यहाँ पे आपको जो कि कोई भी बॉटलनेक का इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस लिस्ट में 5th नंबर पे हमारे पास प्रोसेसर आता है, वो आता है इंटेल का कोर i5 11400। नाउ इसमें मुझे के 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, 2.60 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे मुझे बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, 4.40 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे मुझे बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, 12 एमबी की यहाँ पे मुझे इंटेल स्मार्ट कैच मेमोरी देखने को मिलती है। ये वाला जो कि DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे मुझे रैम को सपोर्ट करता है गाइस ये वाला इंटेल का प्रोसेसर। और गाइस यहाँ पे मुझे 65 वाट की TDP देखने को मिलती है गाइस। और गाइस यहाँ पे मुझे इंटेल के UHD 730 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यार 630 से 25% यहाँ पे मुझे इंप्रूव देखने को मिलते हैं गाइस। ये वाला जो कि इंटेल का प्रोसेसर आपको जो कि 19,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप चाहे तो यार इंटेल का कोर i5 11500 भी जो कि प्रोसेसर परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो कि दोनों ही प्रोसेसर में सेम स्पेक्स देखने को मिलती है, बट यार यहाँ पे आपको जो कि दोनों के बीच में थोड़ी बहुत क्लॉक स्पीड की डिफरेंस देखने को मिलती है। 270 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको जो कि इंटेल कोर i5 11500 जो कि प्रोसेसर में देखने को मिलेगी, 4.60 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी गाइस। और गाइस इसमें आपको जो कि इंटेल के UHD 750 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि यार इंटेल UHD 730 से भी 25% इंप्रूव यहाँ पे आपको जो कि ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलते हैं। दोनों ही प्रोसेसर को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो यार आप जो कि AMD कंप्यूटर से जाके परचेस कर सकते हैं, Amazon पे आपको जो कि अवेलेबल नहीं मिलेंगे। सो गाइस अगर आप परचेस करना चाहते हो तो यार AMD कंप्यूटर से प्राइम ARGB जो कि वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ थे हमारे टॉप 5 बेस्ट APUs अंडर बजट ऑफ 20,000 रुपीज। अगर आप इनमें से कोई भी APU को परचेस करते हो तो यार आपको जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप जो कि एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सारे APUs की लिंक आप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस अगर आप जो कि डिस्क्रिप्शन से परचेस करते हो तो यार चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। और गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल जो कि जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस। और गाइस इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए, वहां भी बढ़िया कंटेंट हम जो कि पोस्ट करते रहते हैं। वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।